गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आर बी एल ऑनलाइन क्लासेस. न्यू सेशन स्टार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट वी आर केयरफुल ऑफ COVID-19 एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नाउ आई शैल टीच यू सब्जेक्ट SST स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 1, और ये आपका पोर्शन है हिस्ट्री का. स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल एक्सप्लेन यू. नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग. टॉपिक इज द मिडिवल वर्ल्ड, मध्यकालीन दुनिया. नाउ बुक रीडिंग स्टार्ट. इन दिस सेक्शन ऑफ द बुक वी शैल बी डीलिंग विद मिडिवल इंडिया हिस्ट्री. द वर्ड मिडिवल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म मीडियम अल्टम विच मीन्स टाइम इन द मिडिल. द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मिडिल और मिडिवल पीरियड. In India, the medieval period stretched from the beginning of the 8th to the end of the 18th century, that is for nearly 1100 years. In Hindi meaning, पुस्तक के इस भाग में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ काम करेंगे. शब्द मध्यकालीन एक लैटिन शब्द है, मीडियम अल्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मध्य से समय. इतिहास के प्राचीन और आधुनिक काल के बीच की अवधि को मध्य या मध्यकालीन काल के रूप में जाना जाता है. भारत में मध्यकालीन अवधि 8वीं की शुरुआत से 18वीं शताब्दी के अंत तक यानी लगभग 1100 वर्षों तक फैली रही. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ओनली हिंदी एक्सप्लेन करूंगी. बुक रीडिंग आप अपने आप सेल्फ से करेंगे. इन वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाज रूपांतरित हो गए और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के स्तर पर पहुंच गईं. परिवर्तन प्राचीन कहे जाने वाले पहले चरण से कुछ अलग थे, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा. लर्निंग बाई डूइंग. फाइंड द नेम ऑफ द प्लेस रूलर बाई द राजपूत्स इन इंडिया. आल्सो फाइंड द मोस्ट फेमस राजपूत रूल्स. भारत में राजपूतों द्वारा शासित स्थानों के नाम ज्ञात कीजिए. सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासक को भी खोजें. Changing name of the land. India was known by different names during different periods of history. The early Sanskrit texts during the Vedic period describe the tracts of land between the Vindhyas and the Himalayas are Aryavart or land of the Aryans. During the era of the Puran, the subcontinent was called भारत वर्षम एंड दिस टर्म डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स. इतिहास के अलग अलग समय में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था. वैदिक काल के प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों ने विंध्या और हिमालय के बीच की भूमि के पथ को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि के रूप में वर्णित किया. पुराणों के युगों के दौरान उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता था और इस शब्द के इसे अन्य महाद्वीपों से अलग कर दिया था. सोर्स ऑफ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री के इतिहास के क्या सोर्स थे. उस टाइम पर जो लोग होते थे वो लिखते थे. कुछ लोग पत्रों पर लिख लेते थे, तो कुछ लोग अपना लिखने के लिए उस पे जो पत्ते होते थे सूखे उस पर नोट करके अपने आप एक उसको एक बना लेते थे. हिंदू शब्द का फारसी भाषा से पता लगाया जा सकता है और इसके उपयोग उस व्यक्ति के संदर्भ में किए जाते हैं जो सिंधु के रूप में भी जाना जाता है. 11वीं शताब्दी के इस्लामी विजय से फारसी और अरबी में हिंदी और हिंदुस्तान का उपयोग किया गया था. इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा मुगलों ने हिंदुस्तान के नाम से अपने भारतीय साम्राज्य को बुलाना शुरू कर दिया. भारत का वर्णन नाम से सिंधु नदी से लिया गया था. प्राचीन यूनानियों ने भारतीयों को इंडोई या सिंधु के लोगों के रूप में संदर्भित किया था. स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. थैंक यू.